आजकल जो गुफ्तु हमारी रही है मैं पहन ही लेता हूँ इसको या हो रही है आ, और दो तीन साल रही है उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना और उसके अंदर अगर आप अपनी कोई रिलेवेंसी ढूंढेंगे तो जो मेन स्ट्रीम में गुफ्तु है वो तो एक जुगतबाजी का मुकाबला और अब उसको कहना भी फजूल हो गया है क्योंकि इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट नाउ नो बडी इवन फ्रांस अपॉन इट और दूसरे तरीके से ये मैंने ये भी देखा कि दो तक ये था कल्चर आप कहीं सी एम हाउस के सामने गवर्नर हाउस के सामने प्रेस क्लब में प्रेस कर रहे हैं धरना दिया हुआ है आप पे तंज नहीं किया जाता था हाँ आपको इग्नोर किया जाएगा लाठी चार्ज भी होगा बट तीसरे चौथे दिन एक वफद आएगा सी एम हाउस का पी एम हाउस का बातें करेगा और मामला तय करेगा या तो वो कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया यह हो गया कि जी मुझे ब्लैक मेल ना करें वज़ी अजम साहब कह रहे हैं कोयटा जाने के लिए <laughs> एक इंसान को जो भूखर ताल पर बैठा हुआ है तो और घिरा हुआ है लाशों से जनाजों से और उसको ये कह रहे हैं कि मुझे बनी गाला में बैठे हुए वजी हाउस में बैठे हुए ब्लैक मेल ना करें तो आई थॉट डेट ये आ, बस एडिंग मोर टू द नॉइज है और चूंकि इस वक्त एक पावर हाई है और इस वक्त चूंकि वन पेज बहुत ज्यादा था आजकल तो अंपायर न्यूट्रल है तो खेलने की कूदने की लोगों को जगह स्पेस मिली हुई है ना तो अपोजिशन भी अपना वो आ, पर फैला रही और फ्लाइट की जारी कर रही है तो उस सिनेरियो में आई थॉट यू नो द इश्यूज इश्यूज आई वर्क फॉर वो रिलेटेड uh, हो मिसिंग पर्सन से वो रिलेटेड हो ऑफ स्टूडेंट इश्यूज हो उनके एडमिशन के हवाले से uh, उनकी एक्सपल्जरस के हवाले से हरासमेंट केसेज हों या उसके अलावा इवन इन्वायॉयरमेंटल के हवाले से फॉर एग्जाम्पल ये बुद्धू और बुंडल आइलैंड है हुँ. जिसको सिंध हुकूमत भी चाहती है कब्ज़ा कर ले कमर्शियल परपजेज के लिए वैसे तो सिंध धरती का ही है ये प्रोविंस का ही है ये बट हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं प्रोविंस की बात नहीं कर रहा और वफाक भी हुकूमत ही चाहती है कि हम कमर्शलाइज कर लें तो ऑल दीज इशूज़ आई थॉट डेट एट मोर टेंजेबल रिलीफ इज पॉसिबल बिफोर द कोर्ट्स बिकॉज वो जजमेंट्स इन्फोर्स हो जाते हैं थोड़ा टाइम लगता है तो आई विन डूइंग दैट वर्क एंड वो बी सैटिस्फेक्शन सो आई मीन इतनी ज़्यादा जो डार्क और डीप और इतने मतलब यू लुक एट ऑल द सोसाइटीज इल्स डिप्रेसिव दोसाइटी लाइक थोड़ी सी इस्केपजम भी चाहिए होती होगी जिंदगी में यार लोग मूवी देख के रोने लग जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं तो ये तो आपकी हिमपति है ना कभी कभी बंदा अपने घर में जो मासी है वो कह रही है कि मुझे छुट्टी चाहिए क्यों चाहिए शादी है चाहे कितने दिन के लिए, हाँ, लिए चाहिए हाँ कितने दिन के लिए चाहिए आज की बेस आए थोड़ी आ, दस दिन की चाहिए दस दिन क्यों चाहिए भाई आप खुद अपने ख़ानदान की छुट्टी के लिए दफ्तर में ज़्यादा दिन अप्लाई करते हैं वो तीन दिन भी अगर मांगे दस दिन तो मैंने ज्यादा कह दिया तो आपको गिरा गुजरता है बट आप फिल्म देख के रो पड़ते हैं अच्छा अब उसमें ये नहीं है, है कि रो, रोना डिप्रेशन तो नहीं होता ना वो तो एक किस्म का होता है की बात कर रहा हूं में डिप्रेशन पे भी नहीं गया हाँ। अच्छा अब उसमें भी कमाल खैर है कि फिल्म देख के अगर आप बोल रहे हैं तो आर्ट फॉर्म भी एक चीज़ है उसकी अपनी वैल्यू है बट कभी कभी हमारी वेवलेंथ जो है ना वो इतरा से नहीं जुड़ी हुई होती और कहीं और जुड़ी हुई होती है जहां तक डिप्रेशन की बात है यार डिप्रेस क्यों होना है ना किसी को मैंने तख्लीक किया है ना मैं किसी पे का खालिक हूँ ना मैं किसी का कादिर हूँ मैं खुद एक मखलूक हूँ मुझे कहा हुआ है कि जिससे पेश आओ मोहब्बत और प्यार से पेश आओ और अगर ये करोगे तो तुम्हें मोहब्बत देगा तुम्हारा खालिक अल्लाह ताला के ये एक हैं तो जो आपको जितना ज़रूरतमंद नज़र आ रहा है मोहब्बत का उसको उतनी जाके मोहब्बत दीजिए इसमें डिप्रेशन क्या है तो ये दीनी अखलाकियात की वजह से ही आप मोटिवेटेड हैं या सारी चीज़ें करने के लिए आपको लगता है आपकी फ़ितरत में कोई ऐसी चीज़ है ये जो शख्सियात पैदा होती हैं जो सोसाइटल काम करने के लिए लोग होते हैं ये क्या फितरी तौर पर ऐसे होते हैं या इनको कोई ज़िंदगी के हाथ साल ऐसे कंडीशन करते हैं ये कैसे हुआ कि इस रास्ते पे आ गए यार देखिए दीन के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें ना बात इतनी सी है कि कॉमन uh, सेंस किस चीज़ को रिपेल कर रही है किस चीज़ से रिकनसाइल करके उसको एक्सेप्ट और एम्ब्रेस कर रही है हुँ. तो जब आप ये समझते हैं कि जी कलेक्टिव गुड एक चीज़ होती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्स होना चाहिए और क्लास डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए तसब नहीं होना चाहिए और फिर आप मेरी मखलूक से प्यार करूँ मैं तुमसे प्यार करूँगा खुदा की बात आपको बिल्कुल उस समाजी माशी निज़ाम से जिसके आप हैं नज़र भी आती है तो आप चीज़ें रिकनसाइल कर लेते हैं अब बहुत सारी चीज़ें आप रिपेल भी करते हैं मगर उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने शायद दिन को उस गहराई में पढ़ा नहीं या आप उसको और एक्सप्लोर डिस्कवर करें आ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी चूँकि स्वाब एक इंसेंटिव है या जन्नत में घर बनाना है वही एक इंसेंटिव है हाँ आप अपने आप को अलग अलग वक्तों में जब आप अलग अलग जगह थकते हैं हारते हैं टूटते हैं तो अपने आप को उठाने के लिए दोबारा आप ये भी देखते हैं यार कि दोस्तों की आपके बारे में क्या राय है आप ये भी देखते हैं कभी कि किसी अजनबी ने आपको दुआ दे दी मैसेज करके आपका नेक काम देख के आप ये भी देखते हैं कि यार खुदा भी इस बात का स्वाब दे रहा है तो वो एनर्जी तो आप कहीं से भी ले सकते हो ना वो कोल से मिले वो विंड से मिले वो हाइड्रो मिले तो ये नज़रियाती आप कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए आपको किस आइडियालॉजी में ये चीज़ पाई गई है क्योंकि हमें अभी तक हकीकी दुनिया में नज़र तो नहीं आया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कभी हों और वो फंडामेंटली भी लोग काफ़ी जो पर्टिकुलरली जो डिफ़ीटेस्ट होते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर uh, हो नहीं सकता कभी वो यही कहते हैं कि यार ये तो फंडामेंटल बात है यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्स हो ही नहीं सकती कहीं होती ही नहीं है देखिए बात वो इक्वल और इक्विटी के अंदर आ जाती है ना एक और एक सा सारी गुफ्तू फिर ये हो जाती है एक सा निजाम हो या एक निजाम हो एक निजाम में छोटे कद का आदमी दीवार की परली तरफ नहीं देख सकता मगर एक से निजाम में छोटे कद के आदमी के नीचे डब्बा रखा होगा उस पर वो खड़ा हो जाए ताकि लंबे आदमी के साथ दीवार की परली तरफ का नजारा कर सके तो हम उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपने अपॉचुनिटीज बराबर की देनी है अब डेफिनेटली कोई भी निज़ाम हर इंसान के अंदर इक्वल मोटिवेशन इक्वल डेलीजेंस इक्वल हार्डवर्क इक्वल अटेंशन इवन एम्बिशन नहीं दे सकता तो मैं आठ घंटे काम कर रहा हूं आप आठ घंटे काम कर रहे हैं मैं आठ घंटे कितना दिल लगा के काम कर रहा हूँ मुझे उसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए बट हमें दोनों को यह होना चाहिए कि अगर हम एक पर रूट फॉलो करें रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी आर बॉर्न तो हम अपने दोनों जब तेईस साल के होंगे तो इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे होंगे

प्लेटो से या उस लेवल से आगे के लिए चैलेंज करते हैं आपकी भूख और हंगर भी उतनी ज़्यादा होती है और मैं ये भी आपको बताऊं कि देखिए कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी एक्सपोजर रायगा नहीं जाता हम जहाँ पैदा होते हैं मेरा मानना ये है आ, हमारे हालात हमारे जबिल्लत और खमीर में शामिल हो जाते हैं और हमारी जो जो जबिलत होती है शक्ल निकलती है या जिन आ, अदराक की आ, हामिल हमारी शख्सियत होती है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं अब एक्सपोजर एजुकेशन एक्सपीरियंस और उतने ही जितनी ये तीन चीज़ें हैं उतनी आगे इन्लाइटमेंट आएगी ठीक है तो उतनी ही चीज़ें मुझे डिप्रेस करती हैं और उतनी चीज़ों को मैं कहता हूँ ये कौन सी परेशान होने वाली बात है सो so, आप ये भी देखेंगे कि जहाँ उस हाई क्लास और तबके में आप जाते हैं और उस इंसान के हालात और मामलात और वाक़ अगर आप किसी ऐसे इंसान से करें जो बहुत एक लो इनकम बैकग्राउंड से आ रहा है तो आपको जो हायर इनकम बैकग्राउंड में बहुत हसास लगते हैं वो लोग थोड़े से उस मामले के अंदर देखा जाए तो सेंसिटिव लगते हैं कि यार आपको तो जरा सी चीज़ आपकी शख्सियत पे इतनी हावी हो जाती है और दूसरा देखो क्या कर रहा है बट इशू ये नहीं है इशू ये है कि उसको दूसरे किसी मरहल्ले से या मुश्किल से गुजारा नहीं गया ना तो उसके लिए ट्रेन नहीं हुआ अब ये एक रियालिटी है इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो तो है मुश्किलों के आधी तो उनके लिए मुश्किलें ही पैदा करते रहो और ये तो हैं आसानियों के लिए आधी तो इनके लिए हमेशा आसानियां पैदा करते रहो और इस तरह निज़ाम को डिवाइड एंड रूल करके चलाओ एक है कि मेरी आज की हकीकत है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कुछ आसानियाँ हैं कहीं मुश्किल हैं इनको कहीं पे कन्वर्ज होना है और हमेशा 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 सयाह फाम ने पहन बैठना है सीट बस के आगे वाले हिस्से में तो उसके लिए गोरे को खड़े होके सीट खाली करनी है स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जिन्होंने ऑक्यूपाई की उन्हें कंसीट करना पड़ती है ये जो नोशन आता है ये नोशन फिर आता है कि आ, आ, अपना आप जो कलेक्टिव गुड है उसकी तरफ जाइए इंडिविजुअल गुड से बढ़ के तरबियत जो है वो फिर वहाँ लीडरशिप और सियासत आती है तो क्योंकि मैं बेसिकली जो जवाब ढूंढना चाह रहा हूँ जो मुझे मिल रहा नहीं है आपसे वो ये है कि आपकी आइडियोलॉजी कहाँ से इंस्पायर्ड है मतलब आ, आप अपने आप को खाली इस्लामी आ, आ, नुकता नजर से उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्सट्रैक्ट करके आते हैं क्योंकि कलेक्टिव गुड जो है वो तो कॉम्युनिज्म में भी है और हायर की जो ऑफ अथॉरिटी अगर आप उसमें बिलीव करते हैं कि हर बंदे को वही रिसोर्स नहीं मिलेंगी लेकिन ऑपरचुनिटीज कम कम से कम होनी चाहिए तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं पाएगी ऑफ रिसोर्स तो मैं ये इस इस एडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपका ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ कि वो है क्या देखिए पहली बात है कि इंसान इवॉल्व कर रहा है और इवॉल्व करने के साथ रियलिटीज़ इवॉल्व कर रही हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं रिलीजियस थ्योरीज़ हैं ये भी थोड़ी इवॉल्व करेंगी अडाप्ट करेंगी हालात इनको तो अडाप्ट करेंगे वाइस वर्सा अब ये कह देना कि जी आप इस चीज़ से मुतासर हैं ऐसा तो नहीं हो सकता आ, घर में दो वालदेन थे एक कानपुर से आते हैं एक होशियारपुर से आती हैं एक स्कूल था असल माइक कॉन्वेंट वहाँ कॉन्वेंट था तो उसका थोड़ा एक और असर था दिन में पाँच वक्त अज़ान की आवाज़ भी आती थी और बचपन में ज़्यादा नमाज़ पढ़ते थे अब कम पढ़ते हैं फिर आ, फ्लाटों में रहता था तो नीचे निकलते थे तो किसी वक्त भी बाईस ख़ानदानों के नुमांदों के साथ क्रिकेट खेल रहा हो ना तो बाईस तरबियत शामिल है उसमें उसमें अच्छी बातें भी हैं बुरी बातें भी हैं कोई गाली भी दे रहा है तो ये कह देना आप किसी एक चीज से मुतासर हैं ये तो मेरे ख्याल में नासाफ़ी है हाँ नहीं लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैं कुछ हद हाँ तक काल मार्क्स के ख्याल से इकनॉमिकली मुतासर हूँ मगर कुछ हद हाँ तक ह्यूमन राइट्स के मामले में मैं इस्लामी नुत नज़र से तो वो एम्लगमेशन है क्या और वो कहाँ से आपको मुझे आप एक बात बताइए आपको मार्क्स पे भी जाने की क्या ज़रूरत है वो मैं इसलिए कहता हूँ और यानी कि कॉल मार्क्स मैं रद्द कर रहा हूँ मॉडर्न डे थ्योरी के अंदर ये एक विजन देना और लेबर की बात करना और ट्रेड यूनियन की बात करना जबकि दूसरा निज़ाम सिर्फ सरमायादारी का है ये एक रेवोल्यूशनरी थाट है इसमें कोई दो राय नहीं है अच्छा मगर हम यूरोप नहीं हैं यूरोप से मुराद ये नहीं कि हम इतने गोरे नहीं हैं या हम इतने महजब हम एक डिफरेंट कल्चर एक डिफरेंट हिस्ट्री का हिस्सा रहे, है। हम रहे हैं हमारे यहाँ कबाइल हमारे यहाँ का कहते हैं खानदान हमारे यहाँ रंग और अलग नस्ल के लोग जो हैं वो तरह तरह डिफरेंट तरीके से आए हम एक कंपाउंड नेशन की तरह एग्जिस्ट करते हुए आगे आए हैं ये नहीं कि जो फ्रेंच है वो प्योर फ्रेंच है जो इटली है वो प्योर इटली है और वो चल रहा है और उस पर दो कोकेजन भी लड़ रहे हैं कि मैं वेल्श हूँ तुम स्कॉटिश हो हम एक कंपाउंड है मजहब के हवाले से भी और इंडिया भी और पाकिस्तान भी मैनी नेशन टू बांग्लादेश अब इस चीज़ को आप रखेंगे तो आपको हर जगह से कॉमन ग्राउंड ढूंढना है कि ये जो फलसफा है कि एक सा निज़ाम हो इसमें आपको काल मार्क से भी लेनी है और थोड़ा बहुत आपको अगर यहाँ से भी लेना पड़े कि जी जब हिजरत हुई थी तो अनसार को क्यों कहा कि आदि जा महाजिर को दे दो अब चूँकि वरना क्लास डिप्रेवेशन पैदा हो जाती है ना क्लास डिस्पैरिटी पैदा हो जाती तो आपने एक वक्त एक मैसिव इकोनॉमिक डिसीजन लिया ताकि टीचर मैन टू फिश शील डू इट तो आपने साफ बराबर कर दिया वरना वो भी एक मसला पैदा कर सकता था कि कौन मौतबर है और कौन नहीं है क्योंकि इस चीज़ को देखिए कि डिविनिटी के हवाले से रूलिंग एनी स्टेट इज़ ऑल्सो वेरी प्रैगमेटिक प्रैक्टिकल थिंग सही है आप देखते हैं कि जब कहत है हम मदीना की रियासत की बात तो कर लेते हैं अच्छी बात है मगर क्या मदीना की रियासत में खुलफ़ा राजदी सिर्फ नमाज और तड़ाहियों पर आ रहे थे क्या ये प्रैक्टिकल फैसले नहीं हो रहे थे कि जब कहत आया है तो जो हद है हाथ काटने की सज़ा हजरत उमर हजरत उमर रत उन्होंने जो है वो मअल कर दी उस चीज़ के हिसाब से देखते हुए हिजरत के हवाले इकनॉमिक डिसीजन आप वो देख रहे हैं जब फ़तेह मक्का हुआ है एज़ अपोज टू अदर कॉनकोस्ट और वो सारे जो मक्का के रहने वाले हैं वो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं तो उस वक्त हाथे में मक्का के साथ इस चीज़ के अलावा के आपका घर भी जो है वो वहाँ पर भी लोग अमानत में हैं सिर्फ हरम में नहीं उसके साथ जो उनके आ, फर्जंद के लिए काते भोने का रतबा हो या उनको सौ ऊंट देना आप बहुत सारे डिसीजनस देखते हैं यार ये तो सोशली भी एक प्रैगमेटिक डिसीजन है नॉट जिसट रिलीजसली ये पॉलिटिकली भी एक प्रैगमेटिक डिसीजन है नॉट रिलीजसली तो आप किसी इंसान को जब हेड ऑफ स्टेट देखते हैं ना तो दुनियावी रिश्ते कैसे निभाए गए ये देखिए लेकिन अगर आप सोसाइटी के अंदर अगर इबरत की एक मिसाल ले रहे हैं और वो तारीख़ में इतनी दूर हो आपसे और अगर आप कह रहे हैं कि रिवायात और तहजीब जो हमारे हैं उन्हीं के अंदर हम कंटेक्चुअली अपना हल निकालेंगे जो मसाइल पैदा होते हैं उसके हिसाब से तो फिर हम एक मिसाल इत, इतनी दूर से हम वो मिसाल लेने की जगह अगर हम किसी सोशल डिसिप्लिन की जगह वो इख्तियार कर दें कि ये एक ऐसी सो सोशियोलॉजी का काम है या पॉलिटिकल साइंस का काम है इस चीज़ का हल निकालना और हमें दिखाना कि किस तरह देखिए यहाँ गलती कर गए ना यहाँ पे आप इसलिए गलती कर गया मैं आप उसे चूँकि ना मैं सोशल आंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ ना मैं हस्टोरियन हूँ तो मेरा मुताल इन चीज़ों के बारे में कम है मैं आपसे बुनियादी फलसफे की बात कर रहा हूँ कॉमन सेंस वो कॉमन सेंस आपको वहाँ भी नज़र आ रही है चौदह सौ साल पहले कि इंसान के बीच में कम होनी चाहिए और वही कॉमन सेंस आपको मार्क्स की बातों में भी नज़र आ रही है जो एक सही बात है ना जो निज़ाम को आगे ले जाने की बात है जो तस्म ख़त्म करने की बात है और कलेक्टिव गुड की बात है वो आपको हर जगह हर दौर में री इन्फोर्स होते हुए नज़र आ रही है अलग अलग नाम से चूँकि पाकिस्तान एक कंपाउंड नेशन है तो यहाँ की जो वेवलेंथ है ना वो क्रिस क्रॉस करती है ठीक है इसको अगर आपको आसान लफ्जों में समझना है तो चालीस पैंतालीस सैंतालीस की जना साहब की तकरीरें सुन लें <laughs> क्या पाऊंगा मैं वहां पे <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं सेक्युलरिज्म की बुनियाद पाऊंगा शायद पे पाकिस्तान अभी आप ये देख लीजिए इस मुल्क में जो राइट विंग तबका है वो भी जना साहब को कोट करता है जो लेफ्ट विंग तबका है वो भी कोट करता है सेकुलर भी करता है मजहबी भी करता है सब करते हैं कैसे कर पाते हैं क्योंकि जना साहब को ही पता था कि मैं एक कंपाउंड से बात कर रहा हूँ तो जो मैं कराची में बात कर रहा हूँ वो शायद लाहौर के अंदर वेवलेंस नहीं मिलेगी मैंने वही बात किसी और तरीके से कम्युनिकेट करनी कुछ और अल्फाजों का तनाव करते हुए उसमें हो सकता है कि उनसे कभी ऐसी गलती भी हो गई हो कि अगर वो दो तकरीरें पढ़ें तो उसमें शायद कुछ सेल्फ कॉन्ट्री निकलाओ ह्यूमन एरर तो होगा ना उसमें ऐसी कोई डिवाइन तो इंटरवेंशन की बात नहीं थी इसी तरीके से हमारे यहाँ भी तमाम तबकात को साथ ले जाने के लिए और तमाम लोगों को साथ ले जाने के लिए उनका जो उस वक़्त का एक्सपोजर एक्सपीरियंस है या वो जिस चीज से मुतासर है उसके अंदर से बुनियादी फलसफा और वो बुनियादी फलसफा भी क्या है प्राइमरीली ह्यूमन डेवलपमेंट आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे इस मुल्क की मीशत को इस मुल्क की डेवलपमेंट को मेजर करें कि एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हो रही है तो उसके लिए आपको कोई रिलीजन नहीं गएगा तकलीफों के आदि हो जाओ कोई मीशत का मॉडल भी नहीं गएगा कि तकलीफों के आदि हो जाओ आप उसको डिटेल के अंदर जाएंगे जो कि एक्सप्लॉयट ना कर रहा हो और कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ ना कर रहा हो

कि इट बी कन्विंस पीपल मगर देखिए जिस चीज के मैं खिलाफ हूँ ना आपको कहना है कि मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ आप सौ बार कहिए मुझे सख्त नहीं है मुझे खिलाफ होता है जब आप कहते हैं कि सिर्फ मैं ही चाहता हूँ हाँ, दूसरे नहीं चाहते थे हाँ, दूसरे तो कुछ और चाहते थे दूसरे कुफर का निजाम चाहते थे दूसरे काफिर हैं वाजिबुल कत्ल हैं गुस्ताख हैं जो भी हैं यहां मसला पैदा हो जाता है खान साहब की तरफ उंगली उठा किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा ये सब ने काम किया है अपनी अपनी बारी में ठीक है तो भाई हर एक को पता है आपका नाम है आपका नाम बता रहा है आपका हुलिया बता रहा है आपकी जबान बता रही है कि आपका दीन क्या है आपका दीन क्या है तो आप किससे इंस्पायर्ड हैं आप बोलें कि जी हम सभी उस तरफ मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं अच्छी बात है मगर हमें उसका रास्ता ये नजर आता है ये मत जो एक होता है ना क्रेडिबिलिटी के ऊपर वरना फिर उनके साथ भी यही हुआ था ना एक वक्त में उनको खान साहब का जिक्र आपने किया यहूदी साजिश कहा जाता था बड़ी गैर मुनासिब बात थी हम उस एक्वजेशन के भी खिलाफ थे और अब किसी को कह देना कि वो मोदी का यार है हम उस एक्वेशन के भी खिलाफ हैं क्योंकि जब आपने क्रेडिबिलिटी ही लोगों की हिट कर दी देन डिसकोर्स कैन नॉट हैपन लेकिन जबरान आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ज्यासतदान अपनी तकरीर कर रहे होते हैं उनने पब्लिक रिलेशन का एक डिसिप्लिन है जिसको पढ़ा है और उन्हें यह भी सीख लिया है कि प्रॉपरगैंडा ऐसा होता है कि एक बात को अगर दस दफ़ा दोहराया जाए तो लोग उसको सच मानने लग जाएंगे हाँ। और हमें ये एक तरह से मुझे तो डिफिटिज्म इस चीज़ की पॉलिटिक्स की है और नेसेसरी ईवल मुझे पॉलिटिक्स इसलिए लगती है क्योंकि उसमें मुझे ये नज़र आया है कि लोग जब उनको मौका मिलता है अपना उदा, उस उदे पे आने के लिए तो वो जो झूठ बोलने की ज़रूरत है वो बोल देते हैं और वो ऐसे ऐसे प्रॉपोगेंडाज़ का हिस्सा बन जाते हैं ताकि एंड में जाके होगा क्या कि उनको पावर मिल जाएगी और ये सारी स्पीच थी ये एक तकरीर थी जिस तकरीर का उनका एक्चुअल फेथ होना उस तकरीर में वो लाजमी है ही नहीं उनके वोट हासिल करना वही लाजमी है तो आपको इस चीज़ की से महसूस नहीं होती क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये तो सारा तमाशा चल रहा है देखिए उसके अंदर फिर पाकिस्तान का थोड़ा केस पिकुलर है कुछ और मुल्कों में भी ऐसा नज़र आता है कि देखिए हमारे यहाँ कल्ट की सियासत है पीपल्स पार्टी मजार है भुट्टो का पी एम एल एन मजार है शरीफ साहब के ख़ानदान का पी टी आई मजार है खान साहब का और मतहद मजार अलताफी का अब जब आप किसी को किसी के मुरीद बनते हैं ना और वो आपका मुर्शद होता है तो याद रखिएगा मुर्शद से कोई गलती नहीं होती मरशद से कोई गुनाह नहीं होता ना मरशद से कहा जाता है कि किसी बात से रुजू भी कर लो कि तुम पहले कुछ और कहते थे अब कुछ और करो मर्शद हर वक्त हर जगह हर घड़ी हर वक्त सही है ये उस कैफियत में आप चले जाते हैं जो कि अल्लाह के, अल्ला के वलियों से मैं पीर और मर्शद के रिश्ते के ऊपर कोई तबसरा तंजनी कर रहा बट एक सियासतदान को और सियासत को उस तरह से ले जाना डिवाइन से जो दुनियावी चीज़ है उसके अंदर भी ये चीज़ अप्लाई कर देना उसके मैं खिलाफ हूँ चूंकि फिर होता ये है कि आप एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी हिट कर रहे होते हैं एंड जो टॉकिंग ओवर ही अदर और उसके अंदर जो कल्ट बना रहा होता है उससे तो आपको ऑलरेडी यकीन दिला दिया कि तुम मुरीद हो और मैं ही तुम्हारी मेरे दस्सी तुम्हारी जो है शफात निकलेगी दस तो उस वजह से उनका आना और उनका पावर रिज्यूम करना ही इस बात की अलामत है कि डेवलपमेंट होगी तरक्की आ गई और सब कुछ अब बेहतर हो गया है एज अपोज टू शोइंग परफॉर्मेंस और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है और पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं ना कि जी कैसे आएगी नए लोगों को टिकट देने से नहीं नए लोगों को जो पहले सियासत खाम खानदान में नहीं थे उनको शामिल करने से नहीं देखे नए पुराने की बात नहीं होती सम सम पीपल हैव एन फॉर पॉलिटिक्स सम पीपल डोंट उसमें ये नहीं कि फ्रॉम विच सेक्टर जो कमिंग मेरे खानदान में मैं जिस स्कूल में था मेरा बैच का पाँच बच्चा था एक बता दीजिए सिर्फ एक को मैं जानता हूँ जो सियासत में जो कि उसके अब्बू जो है वो तीन जनरेशन से वो खानदान सियासत में वरना और कोई नहीं है मैं नौ बच्चों का बैच मेरा ओ लेवल उसका था उसमें भी कोई नहीं है मेरे खानदान में तो आगे पीछे कोई सियासत में नहीं है Hmm. तो वो तो एक मेरा अपना मोटिव है ना कि एक्सप्रेस माई सेल्फ डू पब्लिक जो डेमोक्रेटाइज तो नहीं, 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 कैसे करना है हाँ। और करना जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी हाँ। में आप बिलीव देखिए मैं इसके एक आपको सिंपल बेसिक मसाल बता देता हूँ आपके आइन के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के फेडरल के फेडरल प्रोवेंशियल और लोकल ठीक है लोकल अब मुझे कराची में ये बात होती है सिंध में बात होती है कि जी कराची की वसीम अख्तर साहब कहते रहे मेयर इख्तियार नहीं है कराची को बाइतियार क्यों नहीं किया जाता तो आगे से जवाब आता है कि पीपल्स पार्टी कराची में नहीं है अच्छा तो फिर चलो हैदराबाद क्रॉस करते हैं और हैदराबाद से आगे निकलते हैं कौन सा शहर है जहाँ पीपल्स पार्टी नहीं है हर जगह है तो फिर हैदराबाद से जैकवाबाद तक क्यों निज़ाम कमज़ोर है खैरपुर में क्यों है सखर में क्यों है सांगड़ में क्यों है लड़काना में क्यों है बदीन में क्यों है सजावल में क्यों है ठट्टा में क्यों है वजह इसकी वजह बुनियादी यह है कि देखिए जो पार्टी स्ट्रक्चर हमारे वक्त एग्जिस्ट कर रहा है ना वो पिरामिड फॉर्म में है वन फैमिली उसके नीचे फाइव फैमिलीज उसके नीचे टेन फैमिलीज़ उसके नीचे पंद्रह फैमिलीज तो एक खानदान की पार्टी नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि आपको अभी अगर आप सिंध देखेंगे तो आपको भुट्टो साहब के नीचे मुराद अली साहब उसके साथ आपका कायम अली शाह साहब का ख़ानदान उसके साथ नासर अली शाह साहब का ख़ानदान उसके साथ सयाल साहब का ख़ानदान उसके साथ अब मुर्जा वहाब कराची से एक उन्होंने अपना पार्टी में वजन बनाया है वो आ गए हैं जब आप खैरपुर के मेयर को कम्प्लीटली एम्पावर कर देंगे तो वो प्रोवेंशन मिनिस्टर के पास वहाँ के लोग क्यों दुहाई और पर्चियाँ लेके आएंगे और लाइन लगाएंगे उनका काम तो खैरपुर में हो जाएगा बदीन वालों का बदीन में हो जाएगा सजावल वालों का सजावल में हो जाएगा तो ये जो पांच छह मिनिस्टर जो तीन तीन मिनिस्टर लेके बैठते हैं ये तो रिटेंडेंट हो जाएंगे और वो जो एक नई वेव और एक नई लाइन ऑफ पॉलिटिकल राइज लीडर करेगी जब सिंध में एक नहीं पंद्रह मुस्तफा कमाल हो गए प्रोफाइल जो है मुस्तफा कमाल का परफॉर्मेंस के अलावा यह भी है कि हाउ मच पावर ही हेल्ड उनको एमडीए एलडीए केडीए सब एक कर दिया कराची जो बिखरा हुआ था दारों में एक करके एक आदमी को दे दिए एक्जर्टिंग दैट पावर मेड हिम पॉलिटिकली रेलिवेंट नॉट जस्ट हिस्स परफॉर्मेंस अलोन ये आप नहीं करना चाहते बिकॉज दैट विल मेक द पार्टी मोर डेमोक्रेटिक बिकॉज जो नीचे ग्रा, ग्राउंड लेवल पे लोग हैं जिनको लगता है कि ब्लाइंड फॉलोइंग एंड ब्लाइंड सपोर्ट से ही हमारा काम होगा जब आपके पास पार्टी के अंदर अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे पावर स्प्रेड हो जाएगी पार्टी के अंदर दैट इज वॉट ब्रिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड आपका उसमें जो नए लोग हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आते हैं इसलिए आ सकते हैं बिकॉज एक नए बंदे ने अगर सियासत में आना है तो लोकल गवर्नमेंट को पेनिट्रेट करना ज्यादा आसान है फिर प्रोवेंशियल फिर नेशनल तो दिस मॉडल वर्क वेल इफ इंप्लीमेंटेड एंड दिस प्रॉब्लम इज एवरी पार्टी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ नोन लीग भी रही है एक शबाज शरीफ ही थे कोई मेयर नहीं सुना आपने hmm. बूट पहन के हर जगह पहुंच गए सिस्टम बीइंग मेड डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन राज द सिस्टम बीइंग एबल इनफ टू प्रोड्यूस ऑफ पर्सन और डॉ पीटिया ने भी यह किया एक इनसिक्योरिटी है टॉप की और फिर नीचे के खानदानों की कि ये पार्टी यूं जाएगी ये पार्टी ऐसे नहीं जा जलानी के बाद भी जलानी का बेटा वहां पे भी यही होगा ख्वाजा आसिफ हो साद रफीक हों ऐसा इकबाल हों उनके खानदान जो बाकी आपकी है ये इसी तरह से आएगी नई फोर्स आगे तो मैं इससे पूरी क्योंकि आपने बहुत से प्लेयर्स के नाम लिए यहाँ पे पर्टिकुलर जो शतरंज चल रही है उसके अंदर कौन सा कौन कौन किंग किस जगह का है कौन प्यादा किस चीज़ का बना हुआ है इसके अंदर लेकिन जो मुझे समझ आ रही है क्योंकि मैं इन प्लेयर्स को फॉलो नहीं करता ना मुझे कोई सियासत में कोई इन प्लेयर्स से खास दिलचस्पी है।, है।, है मैं खास तौर पर मैं फिलिसफिकल इंक्वायरी में बिलीव करता हूँ मैं कहता हूँ कि सिस्टम क्या होना चाहिए अब उसके अंदर अगर मुझे समझ आ रही है तो आप ये कह रहे हैं कि हायर की अथॉरिटी होगी हमेशा एक टॉप पे बंदा बैठा हुआ होगा और उस टॉप से नीचे जो आप सिस्टम का बयान कर रहे हैं उसके अंदर स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंगस्ट मेनी प्लेयर्स दैर इज नॉट डायनेस्टिकल ये ही हमारी यहाँ पर तब्दीली चूंकि फ्यूडल स्ट्रक्चर ही पिरामिड में एग्जिस्ट करता है आप जब मजीद ऑफिस खोलते हैं और उन ऑफिस को एम्पावर कर देते हैं और वो ऑफिस उन लोगों को एम्पावर करते हैं उनकी पर लैंड होल्डिंग नहीं करती है उनकी पेट्रेज या उनकी लीनेज नहीं करती है या किसी इदारे का पेट्रेज नहीं करता है आप एक गद्दी पे बैठे हुए हैं आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो आप बाख्तियार हैं वो आपको पब्लिक में एक्सपोजर भी देगा पब्लिक से आपका ट्रस्ट भी जोड़ेगा आपकी पब्लिक प्रोफाइल भी बढ़ेगी आपको सिर्फ ये पांच नामों के अलावा पीपल्स पार्टी में ही पचपन और नाम नजर आ जाएंगे वहां से एग्जर्ट होता है पार्टी में प्रेशर की जी मैं भी कुछ हूं आज अगर फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ को कंधे पे हाथ रखे ख्वाजा आसिफ कह सकते हैं कि भाई जरा बात सुनो ये क्या हो रहा है मगर शायद ये काम जो है कोई बिल्कुल जूनियर लेवल वहां पे ना कर सके जो मेंबर हो जिसको आप टेलीविजन पे देखते हो ऐसा क्या किया कि जगह पे पहुंचे उस पार्टी के साथ रहे इसमें कोई नहीं है डाउट वो पार्टी के साथ उनकी अपनी सेक्रीफाइस भी हैं जिनके नाम मैं पीपल्स पार्टी में ले रहा हूं ये भी उधर ही रहे बट पॉइंट इज के वो खान साहब वाली बात भी ना करें ना कि जी मेरी तो बड़ी अच्छी जिंदगी थी इंग्लैंड में मैंने सब बर्बाद कर दिया यहाँ आने के लिए जैसे यहाँ तो कुछ नहीं मिला ना यहाँ आपसे कोई गाड़ियां नहीं धुलवा रहा है भाई यहाँ आपसे कोई लॉन नहीं मो करवा रहा है यहाँ आपसे कोई खंबे पे चढ़ के लाइटें ठीक कराने को नहीं कह रहा है आप जिस शहरा से गुजरते हैं दस किलोमीटर की रेडियस में सिक्योरिटी डिटेल होती है तीन किलोमीटर तक ट्रैफिक रुक जाता है प्रोटोकॉल वी में आप घूमते हैं एक वक्त ने बनी गाला से वजी आजम आप चौपर में जाते थे इतने रिलेवेंट क्या सुनील गवास्कर आज हैं एज फॉर्मर इंडियन क्रिकेट लेजेंड जितने आज आप हैं बींग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दुनिया में आपका एक मरतबा है ग्लोबली रीजनली लोकली आपकी लेगेसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आप मैंने बड़ी आसाइशें छोड़ दीं लोग हो गए इनरेलीवेंट हैव गट्स टू एडमिट दैट यू वॉन्टेड टू स्टे रेलिवेंट एंड वॉज पार्ट ऑफ द रीजन नो शेम बाई पीपल आर ऑन स्टेज आप थिएटर क्यों करते हैं फिल्में क्यों नहीं करते फॉर दैट लाइव रिएक्शन अरे मानता है ना बंदा एंड इट्स फाइन बिकॉज आपकी आपसे यह कहा जा रहा है कि फिर तुम एक्टिंग भी अच्छी करो वो लाइव रिएक्शन अच्छा होना चाहिए गालियां नहीं होनी चाहिए yeah. सियासतदान भी आए काम करे चैलेंज करे ऑडिटरी करे आर्टिकुलेट करे उसका तो काम ही थाट बिल्डिंग है उसका तो काम ही नेशन बिल्डिंग है उसका तो काम ही है स्पीचेस देना बट साथ में टू बैक इट अप विद वर्क बैक इट अप विद अ प्लान बैक इट अप विद अ स्ट्रेटजी तो सेहत जो अन्य कार्ड अभी इंट्रोड्यूस कराया आपको नहीं पसंद आया बिल्कुल ये जिस दिन करते हैं जिस दिन कार्ड आया था बहुत नेक तमन्ना दुआओं के साथ मैंने खान साहब को मुबारकबाद दी थी और साथ में एक बात की थी लेकिन दो बातें ये आप चूँकि आपका आबाई शहर लाहौर है या आप वहाँ पता करेंगे आपको जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी के नून लीग के दौर के अंदर क्या डिस्पेंसरियों में दवाइया फ्री नहीं थी पूरे पंजाब में क्या हुकूमती अस्पतालों में इलाज फ्री नहीं था पूरे पंजाब में आपका भाई शहर है मैं कराची वाला हूं फिर वो बंदा वो बंदा बता रहा है वो पंजाबी है है साउथ पंजाब से मेरे फैक्ट आपने दो काम किए हैं एक तो आपने जान छोड़ाइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेनजीर के नाम से ठीक है चूंकि वो पॉलिटिकल ब्रांडिंग थी मेरे ख्याल में वो भी गलत थी इट शुड हैव बीन पाकिस्तान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉम डे वन और दूसरा आप ये सेहत कार्ड के नाम पे उसी सिस्टम को एक नए फॉर्म पे ले आए चले आपने वो भी कर दिया चले मैंने कहा यार आप ही ने इन्वेंट कर दिया बड़ा अच्छा किया मैंने खान साहब को ये जब मुबारकबाद दी थी मैं छोटा आदमी मैंने ट्वीट करके कहा था मैंने कहा सर हमारा लोकल हस्पताल गेट बिल्कुल भी नहीं है इसमें फुल चांस एक्सपेक्टेशन का कि प्राइवेट सेक्टर सारे पैसे बनाएगा लोग भी वहां पे रेफर होंगे इवन टू द एक्सटेंड के एक माफिया काम करना शुरू कर दे लोकल हस्पतालों में जो उधर प्राइवेट भेज रहा है क्योंकि इतने किस्म के ऑपरेशन करना इतने लोगों को केटर करना लोकल की कैपेसिटी नहीं है और कार्ड लोकल और प्राइवेट दोनों जगह इस्तेमाल हो जा सकता है अब इससे मसला क्या था जो इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टेट ओन्ड है ठीक hmm. है तो ये पैसा अगर स्टेट ओंड कंपनी से स्टेट अस्पताल जाता और वहां से स्टेट अस्पताल के बिल दे के और प्रीमियम वापस स्टेट होल्ड कंपनी के सर्कल में ज्यादा रहता तो ये पैसा स्टेट की वर्ट, वर्टिकल से घूम रहा होता ठीक hmm. है अब इसमें जब प्राइवेट आ जाता है तो जहां इलाज के लिए बंदा प्राइवेट में चला गया और पैसा बाहर चला गया दैट इज गॉन सेपरेटली साल के बाद एक आर्टिकल रिपोर्ट आई डॉन के अंदर जो मैंने शेयर की मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस डेट चेंज कर दिया ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड अच्छा द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल जो मशरूम की तरह पंजाब और केपी में ग्रो हुए प्राइवेट घरों के अंदर ताकि प्राइवेट कार्ड इस्तेमाल हो सके रैकेट्स पक, पकड़े गए हैं बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जो लोकल अस्पतालों के अंदर प्राइवेट अस्पताल रेफर कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल भी जो क्या कर रहे हैं कि जो बड़ा है ना कि एक साथ ही आठ लाख रुपए निकलेगा छह लाख रुपए निकलेगा उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और जिनके छोटे प्रोसीजर हैं पचास हजार वाले उनको लिफ्ट नहीं करा रहे सो दिस होल करप्शन इज ओपन अप सो आपका एक बड़ा अच्छा प्लान या विजन भी अगर प्रॉपर टीम के साथ ना हो टीम आपकी अपनी है आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे की टीम ने पकड़ा दी है हुँ. ठीक है सो so, मुझे खदशा था कि ये होगा और ये वो हुआ सो so, मैं तो ये कहता हूं ना कहते न, के के खान साहब की जो पूरी डिबेट आज जो पूरी डिबेट हो रही है इस्लामाबाद में जो डिबेट हो रही है इट हैज़ हैजोर टू डू बे दिन कॉम्पिटेंस एन एनी थिंग खान साहब जो बातें कहते हैं वो कितनी भी ऑफेंसिव या कितनी भी आपको बेढंगी क्यों ना लगे पीपल फॉरगेट एंड पीपल तो के मामले में आपने पेथास हाँ, आपने करना हाँ, है ड्रामा करना है आपने थिएटर कर करना है वो तो जरूरी है जो चीजें आके फंस गई है वो कुछ एक रियलिटी है जो कि अब लोग डिनाई नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड द डिजास्टर इज सो बिग दैट शबाज शरीफ मोस्ट लाइकली टू टेक ओवर वो दो आज से नहीं सितंबर दो से कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट सारे पावर चे आओ तो सारी गालियां खाओ क्योंकि क्राइसिस इतना बड़ा है कि अगर हम आए और हमने अकेले से संभाला तो हम तो नहीं संभाल पाएंगे और एक और बात मुझे नहीं पता आपके अभी तक सुन लिया ना ये पॉडकास्ट उन्हें तो बंद कर दिया होगा सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ खान साहब की तनकीद का मतलब ये नहीं की मैं नून लीग को वोट दे रहा हूँ और नून लीग की तनकीद का मतलब ये नहीं की मैं जाला हूँ और जालो उन्हें की तनकीद का मतलब नहीं की मेरा तल्लु मुतहदा से है एक ऑब्जेक्टिव व्यू हर जगह देना ये जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट नो ग्रे ये बड़ा मसला है यार हमारे यहाँ है तो सही लेकिन मैं ये भी नोट कर रहा हूं कि आप बड़े जज्बाती हैं इन मामला में आप, आपका वॉल्यूम आवाज की भी से भी पता चल जाता है कि आप आराम से नहीं इस इस चीज पे गुफ्तु कर सकते क्योंकि आपके दिल के ऊपर ठेस लगती नहीं, है कि अगर, जब कोई गलत फैसला किया जाए अगर अगर मैं मगर मैं अपना अगर, दूसरा अगर, पॉइंट की तरफ अपने साथ सा, लोगों को देख के जो आप जानना चाह रहे थे डिप्रेस नहीं हो रहा तो मैं एंग्री भी ना होगा इंडिग्नेंट तो होंगे नहीं है ना लेकिन आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते इतना इमोशन अपने अंदर मतलब के रख के और इतने ज्यादा लोगों के साथ जाती होते हुए देख के और उसकी के अंदर पैदा, पैदा करके एक थोड़ा... मुझे बताया नहीं तय बताया ना ये बड़ा अच्छा आपने, मुझे एक दिया था। ये थोड़ा है। आपने एक ऐसा दिया कि मैं ग्राउंड में ए बी डब्ल्यूर बन के किधर भी मार लू छक्का ठीक है और कोई भी आदमी बात होगा ना तो शायद वो आपको जवाब ये देता बस यू नो दिस एंड आप अपने सवाल को दोबारा सुने क्या आप लोगों के साथ इंसाफियां देखते हुए एग्जॉस्ट नहीं होते तो मेरा इस सवाल को पैसेट करके बोलूँगा बोलूंगा जिनके साथ मुस्तकिल ज्यादा हो रही हैं वो एग्जॉस्ट हो गए क्या उन्होंने अपने आप को आग लगा ली है नहीं लेकिन आपके साथ तो नहीं वो ज्यादा तो लेकिन आप महसूसली मैं आप हम यार इस मुल्क में अगर वो लोग रहने को तैयार हैं और काम करने को तैयार हैं और हक हलाल कमाने को तैयार है जिनके साथ हर किस्म के मजालिम किए गए हैं हर किस्म की इनसिक्योरिटी इनको दी गई है कराची में आज कच्ची आबादी छोड़े मेन शायर फैसल बंदे को नहीं पता कि जिस बिल्डिंग मैंने पूरी जिंदगी के पैसे कमाई लगा के घर लिया है खड़ी रहेगी गिर जाएगी, जाएगी कल क्या होगा ये नसला टावर में देखा आपने क्या हुआ कच्ची आबादियों को तो वैसे ही हम कंटेम करते हैं ना कब्जा ग्रुप चाइना कटिंग जबकि ये वही लोग हैं जो आपके और मेरी मीशत का पहिया चला रहे हैं आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं अपने अपने घर से लेके शुरू करें जहां आपका स्टाफ है इवन बड़े के अंदर, here, able, ये अगर नहीं होते, और इलेक्शन में इनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है आपसे ज्यादा ये, होते, तो तो ये हमें क्या राइट है इस उम्मीद की, की भी आप कोई हम, वैल्यू नहीं समझते खान साहब ने एक सिंबॉलिकली अगर आप इलामती तौर पे ही अगर आप देख लेंगे खान साहब ने करप्शन के खिलाफ या कम से कम दयानतदारी के लिए एक एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एक लामत है वो तो वो उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी किस चीज के लिए मतलब कि एंटी करप्शन के लिए मैं इसमें कोई टैक्स कलेक्शन के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक तबका जो तबका उन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई किया है Uh, अच्छा टैक्स कलेक्शन के अंदर भी ऐसा ऐसे सेपरेट डिबेट कि उन्होंने टाइम कैसे उसको एक्सपैंड करके उसको में लेके आए बट हाँ जहाँ तक आप होप की बात कर रहे हैं डेड uh, इमरान खान डिस्कवर एंड क्रिएट हिम फॉर हिमसेल्फ अ न्यू वोट बैंक यस क्या उन्होंने एक तबका जो अमूमी तौर के अंदर सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेता था इंटरेस्टेड नहीं था यस क्या उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार उस टेक्नोलॉजी का है जिसने खान साहब को घर घर तक पहुँचाया सोशल मीडिया येस बट डिड ही चूज़ टू डेवलप दैट पर्टिकुलर मैसेजिंग जिससे यूथ अट्रैक्ट हो और यूथ अवेयर हो और यूथ इन्वॉल्व हो हाँ मगर आपने स्कूल खोला उस पर मैं आपकी तारीफ करता हूँ आपने क्लास में कुर्सियाँ लगा दी उसकी मैं तारीफ करता आपने सिंगल आप, सारे, आप सारे बच्चे उस क्लास रूम में ले आए मैं उसकी भी तारीफ करता मगर, में, मगर, में तालीम। मगर, मगर, मगर अब आप वहाँ क्लास में बैठा के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना उस पर तनकीद करने का भी मुझे मौका दीजिए की वो कॉन्टेंट क्या है जब अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहिए उर्दू में तो सारी तालीम नहीं जब आपके कल्चर के अंदर आप तरबियत वो खुद कहते हैं ना कि तरबियत करना काम है मैं उनकी सियासी कल्चर की बात कर रहा हूँ जहाँ तक सिंगल नेशनल करिकुलम की बात है मेरे अपने मैनीफेस्टो में यह बात थी एंड आई वोज आई थिंक ओनली पर्सन विद द मैनीफेस्टो सेट कि प्राइमरी स्कूलिंग आपकी उर्दू में होनी चाहिए बल्कि रीजनल जबान में बिल्कुल यानी कि सिर्फ उर्दू में नहीं मेक सिंधी पंजाबी बलोची एंड पश्तो रेलिवेंट एंड सराकी रेलिट डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन देख के ये उन्होंने अडॉप्ट किया एज ए मोड ऑफ टीचिंग एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग अमेजिंग डिसीजन मैं बहुत कमजर्फ हूँ और सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्ट्री होऊंगा अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि खान साहब भी ब्लैक एंड वाइट है नो ग्रे मैटर है ठीक है अच्छे काम उन्होंने भी किए हैं अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने भी किए हैं हमारी जो बुनियादी उनसे या जो मुखालफत है वो हमारी पॉलिटिक्स किस तरफ लेके गए हैं और जो इनक्रोचमेंट मेरा जो नंबर वन मसला उनसे डेवन रहा है जो अब जब रिवर्स हो रहा है तो उनको भी मसायल पैदा हो रहे हैं अगर आप मेरी दो हज़ार अट्ठारह से ट्वीट देखेंगे कि पी टी आई राह हम वार कर रही है सिविलियन इदारों में और सिविलियन स्पेस में मिलिट्री इंक्रोचमेंट का तो ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो है ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रजिस्टेंस पुटअप करती हैं बट इनके दौर के अंदर हमने देखा कि एक तरीके से एक मुकम्मल एक नई वेव आ रही है वरना लोग तो वही हैं एडवाइजर्स तो वही हैं कभी इस पार्टी में होते हैं कभी उस पार्टी में होते हैं हाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर्स I find between People's Party PT and PMLN to be PMLN to be more in uh, more geared for delivering for being more better executives. But in terms of policy, वो भी feudal हैं, वो भी capitalist हैं, उनके यहाँ भी disparity है, उनके यहाँ भी corruption culture है जिसको बुरा नहीं समझा जाता. Capitalist आपने

भरे पेट और ख़्याल आते हैं खाली पेट इंसान को और ख़्याल आते हैं ठीक hmm. है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किस्मत से नसीब से एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूँ जहां मुझे इस बात की इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ी कि अगली रोटी कहाँ से आ रही है तो आई माई माइंड वॉज ऑक्यूपाइड विद अदर स्टफ इट अलाउड माई माइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई अदर स्टफ़ अगर आपको यही टेंशन है कि तीस तारीख आ रही है तीस तारीख आ रही है पहली आ रही है किराया देना है बिजली का बिल देना है फलाना करना है फलाना करना है और डेढ़ नौकरी करनी है दो नौकरी करनी है आप किधर बैठ के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू प्रिवसी दिमाग जाएगा ही नहीं बेसिक इकोनॉमिक नीड्स पे आ जाएगा ठीक hmm. है तो चाइना जो आ रहा है और चाइना जो एक प्रॉमिस लेके आ रहा है जैसे उस प्रोमिस को प्रेजेंट किया जा रहा है एक आपकी जो बिल्कुल ही इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास है ठीक है वो उसको एक अलग तरीके से रिसीव करती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी करती है जो कि उससे आगे उसकी भी सोच नहीं जा रही तो आपको उनको उस तरह से आप बेच रहे हैं वो पूरा hmm. जो बीस है जहां पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो एक तो वही नजर आ रही है कि जो लोग अब मैं ये नहीं कह रहा जी आप भरे पेट गए तो आप सुपरफिशल है पॉइंट इज के एक जो तबका आपको रिस्क करता नज़र आ रहा है वो भी सही नज़र आ रहा है बिकॉज वो देख रहे हैं कि उस शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के बाद आगे गेम क्या होने वाली है hmm. उनके पास वो फोर्साइड देखने की इसलिए बिकॉज उनके हालात ने उनको अलाउ किया है ठीक है बाकी आपको जो लो इनकम बैकग्राउंड के अंदर ज्यादातर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो आपको नजर आ रही है मोर सो टर्ड्स जो डिस्प्लेसमेंट्स की जा रही हैं सत्थर में कोल प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं अच्छा आ, कराची के अंदर आपने यहाँ एज क्लोज हजरत कॉलोनी इसी रोड पर जहाँ पे आप हैं मेन रोड आगे जाएगी चार किलोमीटर तो हजरत कॉलोनी के अंदर आपने ठीक ठाक घर गिरा दिए कि यहाँ सीपे का एक कॉरिडोर निकलेगा ठीक है इन जगहों के ऊपर डिस्प्लेसमेंट्स के आपको लो इनकम बैकग्राउंड भी चुके अगेन ना वो इकोनॉमिकली देख रहे हैं तो कह रहे हैं जी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट से पहले तो आप इकोनॉमिक डिजास्टर ले आए हैं सो

92 से कंपनी डिगिंग कर रही थी माइनिंग कर रही थी उसको 2012 में लाके के इफ्तार चौधरी साहब ने मुझसे बाहर निकाल दिया और कर दिया बीच में डिक्टेटर भी आगे चले गए पीपल्स पार्टी भी आगे चली गई नून लीग भी आगे चली गई काफ लीग भी आगे चली गई और उसकी वजह से एक में भी हम आई में भी यूएस कोर्ट के अंदर भी हर जगह हम हारे हैं वो केस और एक ट्र, ड, ड, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है जब खासतौर तौर पर अगर वो हो अच्छा सी पैक में थोड़ा फर्क ये है कि सी पैक इज़ नॉट जस्ट देयर प्राइवेट फंडिंग सी पैक इज़ अट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग एज वेल सो उसके थोड़े डिफरेंट हैं कि उसमें शायद आई डोंट नो इफ हाउ दी पैक प्रोजेक्ट्स को अगर hmm. वो बाकी प्राइवेट सेक्टर का भी ट्रस्ट करते कि नहीं करते बिकॉज उनको ही पता है कि देर आर फ्यू स्टिंग्स अटैचड आई मीन अब अब मुझे I'm gonna pull it back a little bit. आपने बीच में कहा था कि तब्दीली लाने का इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड एनी मोर बिकॉज उसका भी मानी जो है वो खान साहब ने ही बना दिया वह तब्दीली वाला मगर आपने कहा कि तब्दीली लाने का सियासी जमातों के अंदर तरीका ये है कि उसके अंदर जिस तरह पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तब्दील किया जाए लेकिन क्योंकि आप आर्टीस के अंदर खड़े हुए थे तो वाला मुकम्मल कर स्पेस और पावर डेमोक्रेटाइज होगी जब आपका गवर्नमेंट लीगल स्ट्रक्चर वो अपॉर्चुनिटी देगा ऐसा नहीं कि आज खैरपुर का मेयर नहीं आएगा या बदीन का मेयर नहीं आएगा पार्टी ने तो उदा दे दिया बट जो लीगल स्ट्रक्चर है जो कानून है वो उसको वो इख्तियार नहीं दे रहे आपको लेजिसलेटिवली ये सिस्टम और ये ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस एम्पावर करनी है वफाक से लेके लोकल सत्ता तक फिर ऑटोमेटिकली जो पार्टी जीतती है उसने वो जगह तो भरनी है ना वो खुद ही ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी डेमोक्रेटाइज उनको कोई बैठ के हजारी साहब को नहीं कहना पड़ेगा कि आज से हम और जमुरी होना चाहते हैं या खान साहब को वो जब खुद ही किसी को मेयर नॉमिनेट वहां से जीत के आएगा इलेक्ट होगा तो वो खुद ही पावर एग्जर्ट कर रहा होगा कि मिनिस्टर साहब कह रहे होंगे कि जी साढ़े कोई आता ही नहीं सारे काम उधर ही हो जाते हैं आप जब से आप आजाद यार एक आ, इस, इतने साथ साथ मोड़ के ऊपर मेरी के, मेरी ज़िंदगी के पे आ रहे एक, एक चाय का कप मुझे उम्मीदवार तीन साल हो गए ना नहीं चार साल उम्मीदवार नहीं मैंने खड़े लेकिन मैं उसी का आपको पता नहीं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर एवर सिंस दैट आपकी पॉलिटिकल बिलीफ्स में या आपकी पॉलिटिकल एक्शन में आपको कोई लगता है कोई असलाह हुई है कोई तब्दीली आई है कि आपको लगता है कि ये तरीका सही नहीं है वो तरीका सही नहीं है एज ए जस्ट वेरी लाइक आई एम नॉट एंटैगनाइजिंग यू इन एनी हुए आम जस्ट वॉन्ट टू नो कि वट इंसान है गलती खा जाता है सीखता है तब्दील होता है अभी गांधी साहब से भी आप पूछें तो वो कहते हैं कि कौन सी मेरी ऐसी राय है जो तब्दील ना कभी हुई हो और मेरे गांधी साहब तो फिलोसॉफिकल मेरे लिए एक उस्ताद हैं

अच्छा ये अब मैं आपको जब मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई ना क्यों हुई कैसे हुई और उन्होंने मुझे वाद मशवरा देने के लिए ख़ास बुलाया था किसी को पैगाम भेजा इस लड़के को लेके आओ इससे मिलना है इससे बात करनी है और जब मैं आया उस सारी मुलाकात में एक ही बात थी जो उन्होंने बार बार रिपीट की वो बात मैं यहाँ पर नहीं कहूँ

उनकी गालियां या उनकी उस चीज पे उस चीज पे उतर नहीं, के नहीं, नहीं, वो जवाब दे देना आपने इल्मी اختلاف का इल्मी ही तरीके से जवाब देना अरे नहीं नहीं और वो मैं अभी तक अपने दिमाग में बैठ के नहीं नहीं मुझे तो जो कि उनको पता था ना कि इसमें सियासी जरा सीम है तो उन्होंने मुझे <laughs> सियासी रह देने के लिए बुलाया था अह वो नेटवर्क नजरियाती काउंसिल से रिजाइन कर लिया था सियासत से छोड़ दिया ये देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो बल्कि एक आ, मैं डी जनरेशन की तरफ़ चला जाऊंगा अगर मैं बोलूं कि जी 2013 से तरक्की नहीं हुई ये वसी नहीं हुए खुला ही नहीं होराइजन बड़ा ही नहीं हुआ जाविये सोच के आ, मैंने जो ग्रे मैटर देखना शुरू किया और समझना शुरू किया बीच में ठीक है और मैंने जो आपसे कहा ना कि आप बड़ी चीज़ से फोकस करो आप स्ट्रक्चर ठीक करोगे थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इन टू प्लेस ये चीज़ों का समझ में आना और इस सिस्टम को पढ़ना ये सब मुताल है और मैंने बार बार रिपीट किया कि जी इलेक्शन जो है ना उससे बेहतर मुझे कोई तालीम आज तक मिली नहीं तीनों मैंने लड़े और तीनों बाग कमाल थे बिकॉज इतना इंटरेक्शन लोगों के साथ और लोगों के मसायल के साथ और क्रॉस क्लास सेक्शन के अंदर क्रॉस रिलीज़स सेक्शन के अंदर एंड हाउ टू डील विद दैट इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से टॉलरेंस के हवाले से एम्पथी के हवाले से डाइवर्सिटी ऑफ थाट के हवाले से एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस है हाँ अभी तक मेरी सोच में वो चेंज नहीं आया कि मैं मौजूदा सियासी ढांचे में कह सकूं कि ये वो सियासी पार्टी है जो मुझे मेरिट के ऊपर आगे बढ़ने का मौका देगी एज अपोज टू सर जी आप प्लीज़ यहाँ बैठे ना सर जी गर्म चाय ले लेना <laughs> ये अगर मुझे किसी सियासी पार्टी में जाके करना पड़ा देखिए बड़ी आसान सी बात है तमूर अल्हमद मेरे वालद साहब ने कोई करप्शन नहीं की और मेरे वालद साहब पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है ठीक है मैं क्यों जाके किसी की वालद की करप्शन को डिफेंड करूँ क्यों मुझसे क्या काम है मुझ में क्या देखेगी सियासी पार्टी जवान है अच्छा बोल लेता है माशरे में एक तारुफ है आर्टिकुलेट है तबंग होकर जवाब भी देता है एंग्री भी हो जाता है <laughs> आपके ठीक है इसको बिठा दो तो मैं ओमनी स्कैंडल पे बात करूं या मैं पनामा पे मैं बात करूं या मैं ये जो शुगर कमीशन का जो एक मजाक बना और चावल का जो मजाक बना खान साहब के दौर में इन पे बैठ के इनकी हरकतों पे बात करूं यार जो एलएनजी में ये लेट हो गए क्यों जब मैंने नहीं किया वाई शुड आई पे दूस यूज मुझे आप बुलाइए कि हाउ आर माई पार्टी पॉलिसीज़ डिफरेंट फ्रॉम योर पार्टी पॉलिसीज़ हाउ इज़ आर परफॉर्मेंस डिफरेंट फ्रॉम योर परफॉर्मेंस ये आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते ये मैंने बहुत बार सोचा था क्योंकि मुझे अलग अलग अदवार के अंदर अलग अलग लोग डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज से ऑफर कर चुके हैं कि जी आप आइए हमें ज्वाइन कीजिए और मैंने ये सोचा यार कि इस शख्सियत के साथ अगर मैं जाऊँगा तो मुझे एक शो कॉज नोटिस मिल जाएगा और पहले महीने के बाद मैं ब्लैक शीप बन के पार्टी में बैठा होऊँगा और छोड़ूंगा तो लौटा के लाऊंगा और रहा तो रह नहीं पाऊंगा तो आपको अपनी शख्सियत का ये पता होना चाहिए इस सवाले से ये तो नहीं ना कि पूरे माशरे को पढ़ा और अपने आप न पढ़िया ही नहीं <laughs> मैं रोजा ना लड़ रहा अभी अपने ना तो ही नहीं तो ये भी मैं देख रहा हूँ बट देन अगेन देखिए मैंने तो कहीं ये क्लेम नहीं किया ना कि राह निजात जो है वो मेरे पीछे आएंगे तो मैं दिखाऊंगा मैंने अपनी इंटरवेंशनस भी पॉलिटिकल के जो पॉलिटिक्स में बड़ी प्रैक्टिकल रखी कि मैं अचीव क्या कर रहा हूँ मेरे जो इलेक्शन से पहली बुनियादी चीज़ जो था वो एक है तारुफ अगर आपको लोग जानते नहीं तो आपको वोट क्यों करेंगे वो तारुफ अक के साथ बनता है ना चूँकि मुझे अबू के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता तो क्योंकि ना वो नवाज़ है ना वो इमरान है ना वो अलताफ़ है ना वो गर्दारी है मुझे अपना ही नाम आगे लेके जाना है इस शोबे के अंदर सियासी में अच्छा पैसा भी बड़ा नहीं है कि चलो जी उस चीज़ें ब्रांडिंग हो जाएगी एक दिन में हो जाएगा सेल्फ मेड वक़ालत की नौकरी कर रहे हैं अब कैटरिंग बिजनेस से उनका ताल्लुक था वो जॉब ही की उन्हें जिंदगी बसारी की है तालीम उन्होंने दी शूर हमें दिया कि इसको इस्तेमाल करो आगे चीज़ों को लेके चलो तो आप जब आ रहे हैं और एक सेल्फ मेड पोजीशन से आ रहे हैं तो आप चाहते हैं यार मेरिट के ऊपर आगे चीज़ें चलें इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तु आगे चले मेरी इंटरवेंशन ये थी कि मैंने कोशिश की एक तो तारफ़ दिया दूसरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करूँ उसकी मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ दो हज़ार अठारह का इलेक्शन हुआ डिफेंस चूँकि हल्का ऐसा है सोशल मोबिलिटी भी ज़्यादा है ऑनलाइन वगैरह तो बड़ी होती थी कि जी लाइव डिबेट्स कराए एम पी एस की एम एन एस की कैंडिडेट्स की तो मैं मर्शा वहाब साहब और जमात सामी से जो होते थे तो हमारे आई थिंक सुबह सुफियान और ये इस्माल साहब आते थे गवर्नर साहब हमारे इमरान इस्माईल साहब सारी पार्टियाँ आती थी ख़ासतौर पर पी टी आई और पीपल्स पार्टी जी मसला क्या पानी का हल क्या निकालेंगे आप डी प्लांट डी प्लांट पाँच अरब का है तो देखिए नहीं अभी तक कराची ने पाँच अरब जब से पाँच साल की हुकूमत आई थी नहीं ना इकोनॉमी में एक डी प्लांट के लिए सिर्फ डिफेंस के लिए पानी निकालने के लिए कहाँ लेके आते वो भी नया बनेगा वो जो पुराना है वो क्यों खराब है वो कितने कम में सही हो सकता है उस पर कोई बात नहीं करेगा पहली मीटिंग वही मेरी बारी आई मैंने एक सिम्पल सीज बात की मैंने कहा जी डी प्लांट समंदर में जाने की क्यों ज़रूरत है अभी मुझे बता दीजिए हाथ खड़ा करके कौन है इफ़ ही इज नॉट विलिंग टू पे द राइट प्राइस एक नहीं सौ टैंकर अभी घर में इतना पानी डलवाऊंगा कि आपका जो गार्डन है तालाब बन जाएगा पानी है टैंकर में पानी है नल में पानी नहीं है ये इशू है इन एंड अदर वेल पीपल टू दिस कॉमन सेंस की बात है फिर मुझे याद है हमारी तीसरी जब डिबेट हुई जो कि यहाँ आर्ट्स काउंसिल में थी इमान साहब खड़े हुए डिस <laughs> प्लांट का जिक्र ही नहीं किया पानी के टैंकर जो है ना जो चोरी कर रहे हैं क्या मसला है <laughs> मैंने कहा My is done. <laughs> आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो कम से कम बोलो यार लोगों को बेकूफ ना बनाओ उन अच्छा, उस जमाने में आपके साथ वो एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें लोग आगे थे और कह रहे थे कि आप एमडीओ को रद्द करें और एक नहीं कई इंसिडेंट हुए थे और... जो मैंने कम अज कम एक ही देखा था और उसमें वो आप वो, आपको कभी अपनी जान माल आबरू का खतरा तो नहीं है हम अपनी तरफ से आ, मैं फिफ्थ आया हूँ पी में हुँ. बट जमात इस्लामी नून लीग पीपल्स पार्टी और मैं हम चारों जो हैं 1500 वोट की मार्जिन में हैं और फिर हम सबसे बीस हजार वोट आगे पी टी आई थी हुँ. हमारी असेसमेंट थी प्रोवेंशियल असम्बली की सीट के ऊपर जो पी एस ट्रपल वन है नॉट एन ए टू फोर्टी सेवन जो कि मैंने वहाँ से भी लड़ा था हम कंफर्टेबल सेकेंड होंगे हुँ. ये जो प्रोपागेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया गया कि मुझे कहा गया कि जी ये शख्स जो है एक कादियानी है ये कादियानी फंडिंग से इलेक्शन लड़ रहा है और इसका प्लान है कि ये पार्लियामेंट में आके जो दूसरी तरम है इसको रद्द करने के लिए तरीके चलाएगा और कादियानियों को दोबारा आइन में मुसलमान डिक्लेर करवाएगा ये इस एजेंडे के ऊपर है ये सारी बातें करके और जिस जिस घर में मैं जाता था चूंकि मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं पूरे हल्के में कोई भी कैंडिडेट हर दुकान हर गली हर मोहल्ले में मैं जाता था मैं अपना फ्लायर दे रहा हूँ तो साथ में वो आ, किसी भी तंजीम के लड़के जो हैं जिसमें बाय द वे एल टीएलपी ने नहीं पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया शानदार किरदार अदा किया ये इस प्रोपाजेंडे के अंदर वो आके फ्लायर बांटते थे कि जी जबरान नाजर द्दीन इस्लाम से खारिज हो गया है पता नहीं किसम क्या किस मुफ्ती का साइन ले लेगी इसकी कोई वो भी नहीं है ना इस तरह हमारे खिलाफ कैंपेन हुई हम पे जो अटैक्स हुए मॉब अटैक्स हुए वो डिफरेंट हुआ तो एंड रिज़ल्ट आप देखें तो वोट बैंक पर बड़ा पड़ा और उसका गम हम इसलिए क्योंकि यार जो मेरी टीम थी ना उसने ऐसा रिमार्केबल काम किया था ऐसी रिमार्केबल कैंपेन की थी सोलह सत्रह अठारह साल के बच्चे इंटर के मेट्रिक के ए लेवल्स के ओ लेवल्स के यूनिवर्सिटी भी नहीं गए हुए घर घर जाना गली गली जाना कैंपेन करना एक अच्छे कॉज के लिए एक साफ सुथरी कैंपेन करना किसी को गाली ना देना उनके लिए भी एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो रहा था मगर उसके रिजल्ट के अंदर लोगों से कुफर के फतवे लेना पथराव होना बंद गलियों के ऊपर और फिर उनकी मेहनत रिफ्लेक्ट ना होना वोट बैंक में सही है तो एक तो मुझे उसके लिए भी बड़ा बुरा लगा चूंकि मैंने कहा यार मैं तो इस पोजिशन के अंदर हूं कि आई नो हाउ द कुकी क्रम्बल्स ये सत्रह साल के बच्चे डिसलूजन हो गए ना तो ये नुकसान है और वो अच्छी खासी तादाद के अंदर थे जो डिसोल्यूशन ना हो जाए जो पहला उनका है जाएंगिकल वर्कर्स वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ये नजमी आलम साहब है ये मेरे पी से नहीं मगर मेरे एन में वो हल्का आता है पी एस गौसिया मस्जिद हजरत कॉलोनी के अंदर है इलेक्शन से जो जुम्मा पहले था पीपल्स पार्टी का एमबीए कैंडिडेट खड़ा होकर कहता है मस्जिद में कि अगर लाउड स्पीकर जो मेरा इंतबी निशान है पूरे हिजरत कॉलोनी में किसी एक पोलिंग स्टेशन पर इसका ठप्पा लग गया तो हमारी सफ़ो में कादिया आनी है चुन के मारना है Allah. ये पीपल्स पार्टी है wow. बट लेकिन पीपल्स पार्टी किसकी पार्टी है सलमान तासीर की पार्टी है hmm. तहरीक लब्बैक किससे एसोसिएट किया जाती मुमताज़ कदरी से hmm. अभी एक बाई इलेक्शन हुआ था लाहौर के अंदर कि उन्होंने इतहाद किया सलमान तासीिर साहब की पार्टी और मुमताज़ कदरी साहब की पार्टी से मगर बिलावल की प्रोग्रेसिव तक है और सुनने दिल खुश हो जाता है बाग बाग हो जाता तो ये इसी स्वीडन डेनमार्क आ रहा है हाँ। बोरियो में दे रहे हैं स्वीडन और डेनमार्क ले जाइए बिलावल हाउस से हाँ। तो ये भी मैं यही तो सियासत है नहीं मगर ये सियासत छोड़े ना सियासत तो एक और बेवकूफी है, है जो अपने आपको पता नहीं लिबरल कहता है, सेकुलर कहता, है, कहता है कुछ भी कहता है तो भी लड़ते रहते ना डेढ़ की मस्जिद में भी पच्चीस पच्चीस सेंटीमीटर ये लेफ्ट एक्सट्रीम है बड़ा जी हो जाते हैं बिलावल साहब है मतलब कि मैंने तो देखा है कितने गुना माफ किए हैं आप पीटीएम के लिए उठेंगे मगर अली वजीर की इनकारसीनेशन आपने माफ कर दी पीपल्स पार्टी को सारी एफ आई आर यहां कटी सारी बेलें यहां पे अपोज हुई सारा चलान यहां पे बना वहां पे आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए वो जो कर रहे हैं आ, ये अपने बुद्धू और बुंडल आइलैंड के ऊपर जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी हम यहां रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं यहाँ कमर्शल करना चाहते हैं तब ना? हमारे मैंग्रोव को खतरा नहीं होता मरसू मरसू सिंध ना सिंध बचाऊ और मलिक रिया देसू वो जो साढ़े सोलह हजार एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गडाप में और मलिर में जाली गैर कानूनी मलिक रियाज को दिया जिसमें मलिक रायाज पे चार सौ साठ अरब रुपए का फाइन लगा वो सिंध धरती नहीं है वो सोलह हजार एकड़ बिल्डर को देसू हु. तो बहुत गुना माफ़ किए ना बहुत कतल माफ़ किए आपने हु. तो उनकी सियासत क्या है और वो करते क्या हैं और वो बोल बच्चन क्या तो फिर मैंने आपसे कहा ना वो कल्ट वाली कहानी है बस मेरा मुर्शदा तो मुर्शदा ना कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता तो इस सियासत को चेंज करना है उसके लिए लोगों की थिंकिंग बदलनी है शायद उनके लिए हेल्प करनी है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में शायद मैं भी इस इंतज़ार में हूँ कि और लोग मुझसे जुड़ें तो एक प्लेटफॉर्म हो बट ये भी बड़ी आजकल की रियलिटी है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जी कोई मुल्क गिर नहीं पार्टी आएगी सियासत बहुत लोकल है और जब लोकल गवर्नमेंट में आपसे इतनी बहस कर रहा हूँ तो वो शहर की भी पार्टी हो सकती है वो सूबे की भी पार्टी हो सकती है वो मुल्क की भी पार्टी हो सकती है बट एक नए इतिहास के साथ एक नए फलसफे के साथ आए जहाँ पर ठीक है दस लोग पार्टी लॉन्च करेंगे चार बाकी चीज़ से ज़्यादा मशहूर होंगे बट वो मशहूरी कल्ट ना बन जाए आप पोस्टर बॉय ना बन जाए हर पार्टी का हर वक्त कोई ना कोई चेयरपर्सन होता है खातून हो या मर्द हो मगर आप उसको वो वो ना बना लेना कि जी हमने यहीं पे आके सारी सेक्रीफाइस देनी है और यही है इसी से हमारी निजात है तो वैसे आपको किसी मुल्क में कोई ऐसा नज़र आता है निज़ाम जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा हो प्रैक्टिकली सियासत के हवाले से जहाँ पे ये ना मौजूद हो मतलब आप देखते हैं कि लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड वस ट्राम्प लिटल वायलो अभी आप देखते हैं कि बइडन के जो फ़ॉरन पॉलिसी के मामले में मसले मसायल चल रहे हैं वो भी कोई मतलब के सज़ा गुनाह से पाक नहीं है ये लोग था, था, ये, हर जगह कोई ना कोई मसला तो होता ही है तैमूर आपको क्या साफ हवा इसलिए चाहिए चूंकि स्वीडन में लोग साफ हवा ले रहे हैं या आपको अपने फेफड़ों के लिए चाहिए हाँ हमें अपने फेफड़ों के लिए ये चाहिए ये, लेकिन, ये, मैं, मैं लेकिन तो हम निजाम की मिसाल, की, मिसाल की बात करें कोई मिसाल ऐसी दे जहाँ पर मिसाल बनना क्यों नहीं चाहते आप मिसाली क्यों नहीं बनना चाहते इतने छोटे हमने अपने लिए क्यों बेंचमार्क मार्क सेटअप किए होते हैं कि आज हम इसमें मुतमीन यार के कम से कम यमन और की तरह बमबारी तो नहीं हो रही कम से कम ईरान की तरह आइसोलेट तो नहीं है

तो फिर आप तो मिसाली बने आपके पास तो सब कुछ है आपको तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वो तारीख रकम करेंगे जो किसी ने नहीं किया आज तक ठीक है तो ये जो है ना कि जी यहाँ पे वो नहीं फलाना क्यों नहीं है आप एक इंसान को वैसी पेपर दे दीजिए वो बगैर किसी मुल्क का हवाला दिए बग़ैर बता देगा उसकी ज़रूरतें क्या हैं जो किसी भी डिग्निफाइड इंसान के लिए ज़रूरी हैं एक इज़्ज़त नफ्स जिस इंसान के अंदर हो ना और जिसको ये एहसास हो कि मैं इंसान हूँ और इंसान होने के मायने क्या हैं सही है इंसान होने के मायने हैं कि मैंने सामने वाले के पैरों में नहीं बैठना है मैंने गले लगाना है तो मैंने सीने से सीना मिलाना है यह ना हो कि मैं अस्सी साल का हूं मगर चूंकि साई का, का बेटा है तो मैं घुटने पर हाथ लगाऊंगा इंसान है तकलीफ होती है बैरिस्ट्री करके आते हैं नौजवान बाहर से ठीक है और कभी चले जाइए आप उनकी उताक के अंदर तो सत्तर अस्सी साल के जो है ना लोग उनके पैरों को हाथ लगा रहे होते हैं और मैंने कहा वाह लिंकन जिन वाह वाह तो एक को पता है कि वो इंसान नहीं है वो खुदाई मखलूक हो गया अब दूसरे ने अपने आप को प्रॉपर इंसान भी रियलाइज नहीं किया ये एहसास भी देना ना वो जो कहते हैं ना एम्पावर करें सबसे बड़ी एम्पावरमेंट तो शऊर है जो तालीम के जरिए जो है तालीम है शऊर ने बदल दिया तबी तो तभी तो क्या कहते हैं शऊर की वजह से एक आदमी कह रहा था जला दो मुझे मगर सर नहीं घूम रहा हम घूम रहे हैं ठीक है जला दो मुझे मगर कह रहा था शऊर है क्या ना मैं क्या करूँ या मैं झूठ बोलूँ या नशे काटूँ जला, hmm. दो hmm. <laughs> अच्छा जला, so जला दो मुझे अच्छा थैंक यू सो मच जला दो <भी> मुझे नहीं <laughs> <वाँके> नहीं जला पे नहीं वहां पे नहीं काटेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इट रियली मींस अ लॉट मैन आई रियली एडमायर योर वर्क ऑन दैट नोट